शुक्रवार को वरिष्ठ समाज सेवी इंद्रेश वाल्मीकि की ओर से साहू राम स्वरूप वाल्मीकि एवं शीला देवी जी की पुण्य स्मृति में ज्ञान दान स्नान के पावन पर्व पर मकर संक्रांति के अवसर पर कोर्ट रोड एम हंसराज ट्रेडर्स पर श्रद्धा भाव से खिचड़ी भंडारा किया गया, जिसमें समस्त महानगर वासियों द्वारा भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया गया और माँ गंगा के जयकारे लगाते हुए मकर संक्रांति की एक दूसरे को बधाई दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी इंद्रेश वाल्मीकि ने कहा कि मकर संक्रांति वर्ष भर का प्रथम श्रेष्ठ पर्व है, जिसमें स्नान व खिचड़ी के सेवन का विशेष महत्व सृष्टि के साक्षात सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गतिमान होते हैं और सदी का प्रभाव भी कम होता है। आज से वर्ष में पुनित कार्य प्रारंभ होते हैं। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा धर्म मानवता है और हम सभी को सद्भाव से समाज के प्रति निरंतर सत्कर्म करना चाहिए। भंडारे में जहाँ लोगों ने भेदभाव से ऊपर उठकर सभी धर्म के लोगों ने पूरी श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रतिनिधि राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तर प्रदेश शासन से आशीष गौरव राजहंस, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रभारी हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड से मयंक हंसराज, प्रेम बाबू वाल्मीकि, इंद्रेश वाल्मीकि, प्रदीप वाल्मीकि, संजू वाल्मीकि, सतीश धवन, कमल दिवाकर, लवीश अग्रवाल, महेश सैनी, महेंद्र सक्सेना, रामचंद्र मेहरा आदि लोग उपस्थित रहे। जी, आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर समस्त महानगर वासियों को एवं समस्त पत्रकार बंधुओं को, समस्त छात्रों को, युवाओं को, कर्मचारियों को, समस्त पदाधिकारियों को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की विशेष हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्री इंद्रेश वाल्मीकि जी वरिष्ठ समाज सेवी जी की ओर से साहू राम स्वरूप वाल्मीकि जी एवं शीला देवी जी की पुण्य स्मृति में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज खिचड़ी वितरण का आयोजन एम हंसराज ट्रेडर्स कोर्ट रोड पर किया गया था, जिसमें सभी ने सभी भेदभाव से अलग होकर के सामाजिक समरसता का परिचय देते हुए इस वर्ष के प्रथम महापर्व पर, जिसमें फसलें एक नया रूप धारण करती हैं, सूर्य देवता दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर चलते हैं और वर्ष का पहला महापर्व के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है, इस पर्व को वरिष्ठ समाज सेवी इंद्रेश वाल्मीकि जी की ओर से गत वर्षों की भांति और पूरी तरीके से, जिसमें ज्ञान ध्यान दान स्नान का विशेष महत्व है, उसमें आज खिचड़ी का वितरण व सर्दी को देखते हुए प्रातः ही जो बहुत निम्न तबके के या ठंड से सर्दी से जूझ रहे लोगों के लिए चाय एवं शुष्क नाश्ते का भी वितरण सुबह प्रातः किया गया, जिसमें राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तर प्रदेश शासन आशीष गौरव हंसराज जी का विशेष योगदान रहा एवं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के समस्त पदाधिकारीगण, युवा एवं छात्र सभी ने अपना योगदान सम्मिलित होते हुए किया। पूर्ण शुद्ध रूप से श्री इंद्रेश वाल्मीकि जी की ओर से समय समय पर ऐसे पुनित कार्य निज अपने फंड से किए जाते रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग किसी से अपेक्षित नहीं किया जाता है और मानवता का इतना बड़ा परिचय मुरादाबाद की धरती पर वरिष्ठ समाज सेवी श्री इंद्रेश वाल्मीकि जी दे रहे हैं, जिसमें दीनहीन गरीब की जो मदद हो सकती है उसमें इतना बड़ा उदाहरण वरिष्ठ समाज सेवी श्री इंद्रेश वाल्मीकि जी समय समय पर भंडारों के आयोजन से, कंबल चादर के वितरण से, समय समय पर भोजन के वितरण से एवं आगामी समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी चिकित्सीय सहायता के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी श्री इंद्रेश वाल्मीकि जी करने जा रहे हैं, जिसका की अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश एवं प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश होने के नाते मैं उनका हृदय की गहराइयों से व समाज में ऐसी अग्रणी भूमिका से जो वो समाज की सेवा का कार्य कर रहे हैं, मैं पुनः वरिष्ठ समाज सेवी श्री इंद्रेश वाल्मीकि जी का पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनके पूजनीय माता जी एवं पिताजी को वंदनीय चरण स्पर्श करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से साहू राम स्वरूप वाल्मीकि जी एवं शीला देवी जी की प्रेरणा से वरिष्ठ समाज सेवी श्री इंद्रेश वाल्मीकि जी यह पुनित कार्य गत वर्षों से लगभग 60 वर्षों से हंसराज परिवार द्वारा यह सब सामाजिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे, जिससे सामान्य जनमानस का हर रूप में सहायता होती रहे और कोई दिन दुखी इस द्वार से खाली ना जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम।